हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi Mi 10i स्मार्टफोन के बारे में, जो कि एक चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन रहने वाला है। सो गाइस, ये एक मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 5G का सपोर्ट और 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेटअप देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, चाइना में एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था Redmi Note 9 Pro के नाम से। इसी को रीब्रांड करके इंडिया में Mi 10i के नाम से लॉन्च किया जाने वाला है। सो गाइस, इसकी लॉन्च डेट भी कन्फर्म हो चुकी है। ये स्मार्टफोन आपको 5 जनवरी 2021 में देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, और ये ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। इसके बाद आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर पाएंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और गाइज, इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट टेक वीडियोज के लिए। सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो इसमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले रहने वाली है। लेकिन इसमें 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जिसके साथ कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी रहने वाली है। सेंटर पंच होल के साथ ये डिस्प्ले आने वाली है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो ये एक चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर रन करता है। और गाइज, ये सेम प्रोसेसर आपको कुछ ही समय पहले लॉन्च हुए मोटोरोला के एक स्मार्टफोन में देखने को मिल गया था, जिसकी प्राइसिंग 21,000 रखी गई थी। सो गाइज, इसमें आपको 6GB और 8GB के LPDDR4X का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ 128GB UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो राउंड हाउसिंग कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। लेकिन गाइज, जो इसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है वो होगा सैमसंग का सेंसर, जो कि HM2 सेंसर रहने वाला है। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें, तो 16 मेगापिक्सल का एक सेंटर पंच होल डिजाइन सेल्फी कैमरा इसी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी कैसी रहने वाली है वो तो टेस्टिंग के बाद ही पता चल पाएगा। बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो 4820 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी रहने वाली है, जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आने वाली है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm हेडफोन जैक और स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके सभी फीचर्स को देखते हुए ये स्मार्टफोन पोको X3 का अपग्रेड वर्जन लगता है। और अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं, तो ये स्मार्टफोन 5 जनवरी को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। इसके बाद आप इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बाय कर पाएंगे। बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये स्मार्टफोन 20 से लेकर 22,000 तक देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप इस स्मार्टफोन को खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।